नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जिले के देवलास में युवा मोर्चा का भव्य सम्मान समारोह मनाया गया, जिसका नेतृत्व नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भैरव सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला मंत्री मनीष सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमेश सरोज, जिला कार्य समिति युवा मोर्चा राहुल सिंह उर्फ सिट्टू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुसूचित मोर्चा त्रिभुवन प्रसाद, प्रांतीय परिषद सदस्य छोटू प्रसाद, श्याम चौबे, मंडल महामंत्री सुशील चौबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दया प्रकाश तोमर, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आशीष चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं किसान मोर्चा के मंत्री कतवारू सिंह, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू विश्वकर्मा, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत गुप्ता, सोनू शर्मा, संदीप राय, हरिराम बर्नवाल, गोपाल सिंह एवं संदीप प्रजापति, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा इत्यादि सैकड़ों की संख्या में भाजपा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता एवं ग्रामीण युवा उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। संस्कृत को पूरे विश्व के लोग माने थे कि भारत की संस्कृत में बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये साइंटिफिक ज्ञान है और उसको कोई भी अंधविश्वास नहीं, हर चीज को आप एक तरीके से पिरो सकते हैं। तो फिर पुनः जागरण सुभाष चंद्र बोस जी रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई जी रहे हो, सब लोग अपनी युवा अवस्था में ही अंग्रेजों से लोहा लिए, देश को परिवर्तित किए और देश को आजादी दिलाने का काम किए। आजादी मिल गई उसके बाद भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, राजनीतिक आजादी नहीं मिली, परिवारवाद बढ़ा, लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ही शासन करते आए। उनका प्रकाश राम जी का और लोहिया जी का जो एक हुआ था बीच में, थोड़ा सा वो बीच में आया और नवयुवक को पूरे जो भारतवर्ष के जितने नवयुवक थे, जितने छात्र थे, बड़ी शक्ति से लड़ा। उस समय इंदिरा गांधी जो बहुत ही मजबूत अवस्था थी उसको उन्होंने गिराने काम किया, इंदिरा गांधी की सरकार उन्होंने पलट दिया था। तो इसी तरह से किसी भी देश में अगर आप समाज लोग, लेकिन आज के कुछ लेकिन सबसे जो कठिन काम राजनीति में होता है, आपको एंट्री मारना है, आप एंट्री मारे क्या था, आपके तो पूरे दरवाजे जो पुरोधा लोग हैं वो बंद किए हुए हैं। जब पुरोधा दरवाजा बंद करे तो आदमी चाहते हुए भी उसमें नहीं जाना था, और बाहर से गया था, नेता बहुत चोर है, नेता बहुत भ्रष्टाचारी है, चाहे नेता बहुत खराब है, लेकिन जब इधर आपके दो शासन कालों से ये चीज़ें बिल्कुल खत्म हुई, जब बीजेपी सरकार आई है, तो इसमें आज के डेट में कोई भी छोटा छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा से बड़ा मंत्री चाहे प्रधानमंत्री, ये कोई नहीं कह सकता कि हम अगली बार प्रधानमंत्री रहेंगे या तो हमें यहाँ सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई ये गारंटी साथ इस सरकार में नहीं कर सकता। यहाँ छोटा छोटा तो नवयुवकों की शक्ति का प्रयोग करना है, नवयुवकों को इसमें राजनीति के साथ जोड़ना है। राजनीति बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको आप किसी भी